चित्रकूट बड़गढ़ के उसरी माफी प्राथमिक विद्यालय में आज रिपोर्टर गए। वहां के प्रधानाचार्य मेडिकल पर चल रहे हैं और राम सेवक रजक मिले, उन्होंने क्या बताया आप सुन सकते हैं। जबकि बीएसए राजीव रंजन मिश्रा बहुत ही कठोर कार्रवाई करते हैं, लापरवाह अध्यापकों पर, जिससे कि अध्यापक हमसे नाराज हैं। अध्यापक इतने लापरवाह हैं, घर में बैठकर सरकार का पैसा लेना चाहते हैं। लक्ष्मी देवी जो प्राथमिक विद्यालय उसरी माफी में कार्यरत है, वह कभी भी स्कूल नहीं आती। आखिर इनको किस बात का घमंड है कि यह स्कूल नहीं आती है। अब देखना यह है कि बीएसए महोदय चित्रकूट इन पर कार्यवाही क्या करता है। बीएसए महोदय द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है लापरवाह अध्यापकों पर, लेकिन लक्ष्मी देवी पर कब कार्यवाही होगी यह तो समय बताएगा। प्राथमिक विद्यालय में बताते हैं लक्ष्मी देवी स्कूल कभी नहीं आती। आखिर लक्ष्मी देवी को सजा कब मिलेगी यह देखना बाकी है। स्कूल में कब है, रोज आएंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर रोहिणी कुमार ने अपने दो रिपोर्टर लेकर स्कूल के अंदर गए तो वहां मौजूद सहायक अध्यापक राम सेवक सिर्फ मिले। अब आप देख सकते हैं यह शासन में अध्यापक लोग कितने लापरवाह हो रहे हैं, ना समय से आते हैं, ऐसा लगता है इनके लिए कोई भी कानून नहीं है। जबकि एबीएसए महोदय द्वारा यदि पर डे विद्यालय चेक किया जाए तो कोई लापरवाही सामने आ जाएगी। जबकि एबीएसए महोदय का कार्य काफ़ी सराहनीय रहता है, लेकिन लापरवाह अध्यापकों पर कार्यवाही ना होना सवाल खड़ा करता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मैं इस समय उसरी माफी विद्यालय में खड़ा हुआ हूँ। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मास्टरों के खिलाफ अभी जो भी कार्रवाई की गई भी कुछ सही की जा रही है, क्योंकि अध्यापक लापरवाह है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी अध्यापक अनुपस्थित हैं। अब देखना यह कि शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, जबकि अध्यापक मौजूद हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी कंचन देवी को बताया जा रहा है उनके पेट में दर्द है और वो चली। उसरा माफी विद्यालय की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आइए अंदर आइए, राम सेवक रजक जी है हमारे सामने। बाकी इतनी लापरवाही और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कभी भी अगर बताया जाता है तो वो संज्ञान में जिला शिक्षा अधिकारी लेते हैं, तो अध्यापक को बुरा लगता है, अपना